सो गाइस, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है बोल्ड न्यूज के एपिसोड 14 के अंदर, जिसके अंदर हम लोग फिर से बहुत कमाल की हॉट न्यूज लेके आ गए हैं जो कि हॉलीवुड की तरफ से आ रही हैं। जैसे कि जेम्स बॉन्ड की अपकमिंग मूवी जो कि क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्ट करने वाले हैं, एवेंजर्स की सीक्रेट वॉर मूवी का डायरेक्टर कौन है, डेडपूल 3 की शूटिंग आखिर कितनी कम्प्लीट हो गई है, क्योंकि आप सभी को पता है हॉलीवुड के अंदर बहुत बड़ी स्ट्राइक चल रही है जिसकी वजह से बहुत सी मूवीज और सीरीज डिले हो रही है। साथ में डिज्नी की 100th यानी 100वीं सालगिरह आने वाली है, जिसके ऊपर वो लोग कुछ मूवीज को रिलीज कर रहे हैं जो कि एनिमेटेड मूवी, और उसके लिए आप लोगों को सिर्फ 1,20,000 रुपए देने होंगे। और मिशन इम्पॉसिबल 8 मूवी यानी कि मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2 ऑफिशियली डिले हो गई है। ऐसी बहुत सारी कमाल की न्यूज आज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी, इसलिए अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले न्यूज डीसीयू की तरफ से आ रही है। जैसे कि आप लोगों को पता हॉलीवुड के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक चल रही है जिसकी वजह से बहुत सारी मूवीज ऑफिशियली डिले हो गई हैं, उसी का शिकार डीसीयू भी हो गया है, इनकी बहुत सी मूवीज डिले हो गई हैं। लेकिन जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया है कि 2 मूवी की जो स्क्रिप्ट है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, जिसमें पहली मूवी है क्रिएचर कमांडोस और दूसरी है सुपरमैन लेगेसी। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, पहली मूवी यानी क्रिएचर कमांडोस, ये मूवी वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर बेस्ड होने वाली है, जिसके अंदर सुपर ह्यूमंस की एक मिलिट्री की कहानी देखने को मिलने वाली है, बस अभी मुझे इतना ही पता चला। और दूसरी मूवी यानी कि सुपरमैन लेगेसी, वो एक सुपरमैन की ही मूवी है, जैसे हमने मैन ऑफ स्टील मूवी के अंदर देखा था। वैसे इस मूवी के लिए जिस एक्टर को कास्ट किया जा रहा है अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुझे इससे ज्यादा अच्छे हेनरी कैविल लगते हैं सुपरमैन के रोल में। आपका क्या विचार है कमेंट के अंदर बताइए। सो नेक्स्ट न्यूज आ रही है मार्वल की तरफ से, जिनके फेज 5 की बहुत सारी सीरीज को डिले कर दिया गया। अगर मैं नंबर्स बताऊं तो टोटल 7 सीरीज को ऑफिशियली डिले कर दिया गया, जिसमें पहली है एको, जिसको 2024 में रिलीज किया जाएगा। सेकंड व्हाट इफ सीजन 2, जिसे इस साल में रिलीज कर दिया जाएगा क्रिसमस में, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। थर्ड है एक्समैन 97, जिसे अर्ली 2024 तक रिलीज किया जाएगा। फोर्थ है आयरन हार्ट, जो कि आपने ब्लैक पैंथर 2 मूवी के अंदर देखा होगा, उसकी एक सीरीज आने वाली है और वो 2024 में ही रिलीज होगी। फिफ्थ है अगाथा डार्क होल्ड डायरीज, जो कि मिड 2024 यानी कि 2024 के बीच में कहीं रिलीज होगी। सिक्स है डेयरडेविल बॉर्न अगेन, जो कि 2025 तक रिलीज होगी। और सेवंथ है वंडर मैन, जिसकी रिलीज डेट अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन बाकी सब सीरीज जब डिले हो गई है तो ये भी डेफिनेटली डिले हो गई होगी। थर्ड न्यूज डेडपूल 3 मूवी की तरफ से आ रही है, जिस मूवी के डायरेक्टर यानी कि शॉन लेवी से एक इंटरव्यू के दौरान ये क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर इस मूवी यानी डेडपूल 3 की शूटिंग कितनी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि इस मूवी के शूटिंग के दौरान ये न्यूज आ गई थी कि हॉलीवुड के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक होने वाली है, जिसकी वजह से बहुत सी मूवीज ऑलरेडी डिले हो चुकी हैं। जिसके उत्तर में शॉन ने कुछ क्लियर तो नहीं कहा, लेकिन उनकी बात से पता लग गया कि इस मूवी की हाफ शूटिंग कंप्लीट हो गई है और हो सकता है उन फुटेजेस की मदद से हमें कुछ समय में कोई ट्रेलर भी देखने को मिल जाए डेडपूल 3 का। बाकी अभी तक इस मूवी की शूटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, उसके लिए क्या करते हैं ये लोग वो तो हमें आगे जाके पता लगेगा, और अगर ये मूवी आगे डिले होगी तो उसके बारे में मैं आपको अपकमिंग न्यूज वीडियोस के अंदर इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी आप लोग इसके लिए कितना एक्साइटेड हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस मूवी के लिए। नेक्स्ट न्यूज डिज्नी की तरफ से आ रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि डिज्नी की 100वीं सालगिरह आने वाली है, जिसको वो लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जिसके लिए वो लोग 100 एनिमेटेड मूवीज को सेल करने वाले हैं, और आप सब लोग उनको खरीद सकते हैं सिर्फ $1,500 यानी कि 1,20,000 रुपए में, जो कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन खुशखबरी ये है कि ये इंडिया के अंदर रिलीज ही नहीं हो रही, ये सीधे US के अंदर वॉलमार्ट में सेल की जाएगी। पहले 18 सितंबर को प्री ऑर्डर वालों को ये सारी चीजें मिलेंगी, बाकी 14 नवंबर से जो वहां की लोकल पब्लिक है वो लोग भी खरीद सकते हैं इन मूवीज को, जिसके अंदर आई थिंक 1927 से लेके 2023 की बहुत सी मूवीज को इंक्लूड किया जाएगा। उन सभी की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट कोई न्यूज नहीं है, एक फैन आर्ट है, जिसके अंदर हम लोग मैडम वेब, जो कि अपकमिंग सोनी की स्पाइडरमैन स्पिन ऑफ मूवी है, उसका एक पोस्टर देख सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग सिडनी जो कि स्पाइडर वुमन है और साथ में डकोटा जो कि उस मूवी के अंदर मैडम वेब का रोल निभाएंगी, उनका एक फैन आर्ट पोस्टर रिलीज हुआ है जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मुझे तो पोस्टर काफी कमाल का लगा और रियलिस्टिक लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट न्यूज आ रही है क्रिस्टोफर नोलन की तरफ से, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो स्ट्राइक हॉलीवुड के अंदर चल रही है, उस स्ट्राइक के शुरू होने से पहले क्रिस्टोफर नोलन से बात की जा रही थी कि वो जेम्स बॉन्ड की 2 मूवीज को डायरेक्ट करें, और उसके लोग काफी एक्साइटेड थे क्योंकि उन्होंने काफी बार कहा था कि वो जेम्स बॉन्ड की मूवीज को डायरेक्ट करना चाहते हैं, और हम सब लोग जानते हैं उन्होंने डार्क नाइट जैसी कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी बनाई है, तो वो अगर जेम्स बॉन्ड मूवी बनाएंगे तो वो तो एक नेक्स्ट लेवल पे ही जाएगी। लेकिन उसके बाद भी ये अभी कंफर्म नहीं है कि वो जेम्स बॉन्ड मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि टेनेट मूवी के केस में क्या हुआ, वार्नर ब्रोस वालों ने उनकी बात नहीं मानी यानी क्रिस्टोफर नोलन की बात नहीं मानी, और उनकी रिलीज स्ट्रेटजी क्रिस्टोफर नोलन को पसंद नहीं आई, इसीलिए उन्होंने
हमेशा के लिए काम छोड़ दिया है वार्नर ब्रोस का, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन कंप्लीट फ्रीडम चाहते हैं। वो नहीं चाहते कोई और उनके काम के अंदर इंटरफेयर करे, वो राइटिंग से लेकर डायरेक्शन में हर चीज में कंप्लीट फ्रीडम चाहते हैं। लेकिन जेम्स बॉन्ड सीरीज के जो प्रोड्यूसर है यानी कि बारबरा, वो इस तरीके की फ्रीडम डायरेक्टर्स को नहीं देती है, वो कुछ ना कुछ इंटरफेयर करती रहती है, वो लोगों को सजेशन देती रहती है। इसी वजह से क्रिस्टोफर नोलन हो सकता है जेम्स बॉन्ड मूवी को डायरेक्ट ना करें। बाकी इसके रिलेटेड अगर कोई कंफर्म न्यूज आएगी तो मैं वो आपको अपकमिंग न्यूज वीडियोस के अंदर बता दूंगा। बाकी आप क्या चाहते हैं कि जेम्स बॉन्ड मूवी को कौन डायरेक्ट करे, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट एक रूमर है जो काफी समय से इंटरनेट पर चल रहा था कि शॉन लेवी जो कि इस समय डेडपूल 3 के डायरेक्टर हैं, वो एमसीयू की अपकमिंग मूवी जो कि सीक्रेट वॉर है एवेंजर्स की, उसको वो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में शॉन लेवी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि देखिए न्यूज तो काफी समय से बहुत से लोगों की चल रही है कि वो सीक्रेट वॉर्स मूवी को डायरेक्ट करेंगे, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मूवी के डायरेक्टर, साथ में ब्लैक पैंथर 2 मूवी के डायरेक्टर भी। लेकिन ये सारे रूमर्स गलत है और मुझे भी यही लगता है कि कोई ऐसे ही सीक्रेट वॉर जितनी बड़ी मूवी किसी डायरेक्टर को नहीं दे देगा। पहले आई थिंक एमसीयू देखेगा अगर देनी भी होगी कि डेडपूल 3 कितनी सक्सेसफुल होती है। अगर डेडपूल 3 कमाल की सक्सेसफुल हुई तो हो सकता है वो लोग सीक्रेट वॉर्स का डायरेक्टर बना दें शॉन लेवी को। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं फ्यूचर वीडियोस के अंदर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट न्यूज भी शॉन लेवी की तरफ से आ रही है, जिनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया उनकी अपकमिंग स्टार वॉर मूवी के बारे में, क्योंकि स्ट्राइक की वजह से वो मूवी अटक गई है बीच में। तो इनसे पूछा गया क्या वो मूवी डिले हो गया, वो मूवी कैंसिल हो गई। तो उन्होंने बताया कि वो मूवी स्ट्राइक की वजह से टेम्परेली होल्ड पे है, लेकिन वो मूवी कैंसिल नहीं हुई है। जैसे ही स्ट्राइक ओवर होगी वैसे ही ये उस मूवी के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। साथ में इन्होंने रियल स्टील 2 मूवी जो कि ह्यूज जैकमैन की मूवी है, आपने अगर रियल स्टील 1 मूवी देखी है तो आप लोगों को पता होगा, उसके ऊपर भी ये लोग स्ट्राइक के बाद काम करना शुरू कर देंगे। 9th न्यूज आ रही है मिशन इम्पॉसिबल 7 मूवी की तरफ से, जिसकी डिजिटल रिलीज डेट को अब कंफर्म कर दिया गया है। ये मूवी 10 अक्टूबर को डीवीडी में रिलीज होगी अमेजोन के ऊपर, आप चाहें तो आप प्री ऑर्डर दे सकते हैं। साथ में आईट्यून पे भी रिलीज होगी 10 अक्टूबर को, साथ में प्राइम वीडियोस पे आप इसको रेंट पर ले सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आप सिर्फ यूएस के अंदर ही कर सकते हैं क्योंकि करंटली ये इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। जैसे ही इंडिया की रिलीज डेट आएगी, ओटीटी रिलीज डेट, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी जो मिशन इम्पॉसिबल 8 मूवी है वो ऑफिशियली डिले हो गई है स्ट्राइक की वजह से, क्योंकि इसकी शूटिंग नहीं हो सकती इस स्ट्राइक के चलते। नेक्स्ट एक रूमर है जो स्पाइडरमैन 4 मूवी की तरफ से आ रहा है। आप सब लोगों को स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन तो याद ही होगा, जहां पे हमें माइकल मैंडोस यानी कि स्कॉर्पियन देखने को मिलता है। तो उसके बारे में ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट की गई है जिसमें बताया जा रहा है कि ये अब रिटर्न आने वाला है, और मुझे लगता है कि इसकी कोई स्पिन ऑफ मूवी तो नहीं आएगी। मोस्ट प्रोबेबली जो स्पाइडरमैन 4 मूवी आने वाली है उसके अंदर हमें ये देखने को मिल सकता है। बाकी अभी तक स्पाइडरमैन 4 मूवी की कंफर्म रिलीज डेट सामने नहीं आई, और जिस तरीके से स्ट्राइक चल रही हॉलीवुड के अंदर उससे लगता भी नहीं है कि हमें जल्दी से कोई रिलीज डेट देखने को मिलेगी। लास्ट न्यूज हेलबॉय मूवी की तरफ से आ रही है, जिसका अब रिबूट किया जा रहा है, और इस रिबूट को बना रही है कैचअप एंटरटेनमेंट कंपनी, क्योंकि उन्होंने इस मूवी के राइट्स खरीद लिए हैं। और इस मूवी के मेन लीड में हमें जैक कैसी मेन एक्टर देखने को मिलेंगे जो कि इस बार हेलबॉय का रोल निभाएंगे। बाकी स्टोरी क्या होगी उसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें मुझे पता चली हैं, जैसे कि ये मूवी 1954 के टाइम पे बेस्ड होगी, जिसमें हमारा हीरो यानी कि हेलबॉय निकलता है एक एडवेंचरस सफर पे, जहां भी उसकी मुलाकात होती है एक छोटी सी कम्युनिटी की जो कि विचेस का शिकार करती है, और उस कम्युनिटी को लीड करता है एक क्रूप्ड मैन। तो पूरी स्टोरी क्या है उसके बारे में तो मुझे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। बाकी इससे रिलेटेड अगर फ्यूचर में कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। सो गाइस ये था हमारा न्यूज वीडियो जो डेफिनेटली आपको काफी पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो।